एक आदमी रोजे की हालत में है और बहुत सारे लोग जो रोजे की हालत में नहीं है इस रोजेदार के सामने खाए पिए, तो जब तक वो लोग खाते पीते और खाने पीने से फारिग नहीं हो जाते तब तक फरिश्ते इस रोजेदार के ऊपर दुरूद भेजा करते हैं। इसकी दलील क्या है? हजरत उम्मे अमारा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, आप जैसे ही पहुंचे बहुत सारे लोग आपके पीछे मेरे घर तशरीफ ले आए, सबके खाने के लिए जब खजूर रखा गया तो सारे लोगों ने खजूर खाया सिवाय एक शख्स के, वो पीछे हट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमा शानुहु, इसका क्या माजरा है? वो कहते हैं इन्नी साइमुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे से हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा इन्नहु मा मिन साइमिन याकुलु इंदहु फवातिर इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका हत्ता यकूमु। अल्लाहु अकबर। के कोई भी शख्स जो रोजे की हालत में है और उसके सामने बेरोजेदार हजरात अगर खाते पीते हैं तो जब तक ये खाने पीने से फारिग होकर के उठ नहीं जाते तब तक उस रोजेदार के ऊपर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। यह हदीस मुस्तद अहमद और सुनन इब्ने माजा की है और हदीस की सनद बिल्कुल जईद है।